इस वेलकम टू रोधा सो बेसिकली इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग अज विल कंटेन सम हाई क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ एर्थमेटिक ओके तो एर्थमेटिक के आप लोग बोलते रहते हो सर अच्छे क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे क्वालिटी क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे है ना तो बेसिकलीज क्वेश्चन आई पिक फ्रॉम माई रोधा टॉपिक टेस्ट ओके तो आपको पता है कि रोधा टॉपिक टेस्ट हमारा रोधा क्वॉन्ट कोर्स का पार्ट है जो कि रोधा कंप्लीट पैकेज का पार्ट है हमारा एटेक प्लेटफॉर्म है रोधा डू विजिट डेयर और हमने अपना भी मॉक भी लॉन्च किया है ठीक है सो बेसिकली वट वी आर डूइंग इज इन दिस वीडियो विल बी स्टार्टिंग विद दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ एरिथमेटिक ओके एंड वेलकम गाइज माई नेम इज रवि प्रकाश नाम बताना जरूरी है बिकॉज लॉट ऑफ पीपल एड्रेस मी एज रोधा सर ऑल्सो ओके तो रोधा इज द नेम ऑफ माई एडटेक प्लेटफॉर्म एंड माई कंपनी नेम माई यूट्यूब चैनल नेम ओके एंड माई नेम इज रवि प्रकाश बट या जो सपार्ट गाइज वट एवर यू कॉल मी थैंक यू फॉर ऑल दी लव एंड सपोर्ट यू यूर गिवन इन लास्ट फाइव सिक्स मंथ मैंने अपना खुद का एटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था काफ़ी नर्वस था स्टार्टिंग में तो आई डिड लाइक आई हैड मेनी स्लीपलेस नाइट्स स्लीपलेस नाइट्स काफ़ी मैंने वर्क किया है इस पर एक अच्छी टीम बनाई है एंड नाउ वी आर प्रोवाइडिंग विद सम रियली हाई क्वालिटी क्लासेस मॉक टेस्ट ठीक है हमने अपना मॉक का अलग पोर्टल बना लिया है दैट इज मॉक्स डॉट ट्रोधा डॉट को डॉट इन ठीक है तो वहां भी हम लोग काफी डिटेल में मॉक वगैरह करेंगे ओके okay, एंड काफी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे राइट right? तो बेसिकली विल बी फोकसिंग ऑन मोर ऑफ एफवाई क्यूज एफ वाई एफ वाई क्यूज क्या होता है दैट इज फ्यूचर ईयर क्वेश्चन ठीक है मैं इस पर ज्यादा फोकस करता हूँ राधर देन पी वाई क्यूज क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली कवर हो ही जाएगा ठीक है सो माई फोकस इज कवरिंग एफवाई क्यूज दैट मीन्स द क्वेश्चन विच आर ट्रेंडिंग इन कैट विच विल इंक्रीज योर थिंकिंग लेवल विच विल इंक्रीज योर लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन में लोग क्या करते हैं फोकस करते हैं राइट तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन गाइस देखो यह क्वेश्चन क्या है दिस क्वेश्चन से इज दैट एक्स वाई जेड आर थ्री कंटेनर्स ऑफ प्योर पेट्रोल विद वॉल्यूम्स वन सेवेंटी लीटर फोर हंड्रेड लीटर एंड टू फोर्टी फाइव लीटर From container X 25.5 liter of the solution is replaced with kerosene. From container Y forty liter of the solution is replaced with kerosene twice. From container Z, 35 liter of the solution is replaced with kerosene thrice. After all these operations, if the solutions present in containers XYZ are mixed in the ratio 5 is to 3 is to 2, what is the percentage of pure petrol in the final mixture? देखो, अच्छा क्वेश्चन है ठीक तो 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 है है बेसिकली इट टू तो तो आई ऑल ऑफ यू वुड हैव सीन दिस एक पे फंडा रिप्लेसमेंट का बिकॉज वन लिक्विड इज बिंग कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस हियर एंड दैट इज पेट्रोल ठीक है और देखो एक और इंटरेस्टिंग फंडा यहाँ पे हम यूज करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए ठीक है बिकॉज आपके पास यहाँ पे ना तीनों की क्वांटिटी है ठीक है और आपका पेट्रोल का अलग अलग परसेंटेज निकल जाएगा बिकॉज जब हम पेट्रोल को से रिप्लेस करेंगे तो मेरे को तीनों कंटेनर में कंटेनर में पेट्रोल का परसेंटेज मिल जाएगा और पेट्रोल की क्वांटिटी दी हुई है यहां पे। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ट बाय फंडा ऑफ आव वेटेड एवरेज ठीक है तो तीन चीजों का वेटेड एवरेज क्या होता है ना लाइक ये होता है आपका पी इज इक्वल टू पी वन क्यू वन प्लस पी टू क्यू टू प्लस पी थ्री क्यू थ्री ओके पी थ्री क्यू थ्री डिवाइडेड बाई क्यू वन फॉर्मूला right? पढ़ा पढ़ा तो तो में पी प्राइसिंग होता है तो पी को आप ना यहाँ पे कुछ से भी रिप्लेस कर सकते हो क्वेश्चन में एज पर योर नीड राइट फॉर एग्जाम्पल पी यहाँ पे क्या बिहेव करेगा हमारा पेट्रोल परसेंटेज बिहेव करेगा राइट right? तो पेट्रोल परसेंटेज तीन अलग अलग पेट्रोल परसेंटेज निकालेंगे

अब का जो पेट्रोल है उसमें 144.5 लीटर पेट्रोल होगा करेक्ट ना एंड रेस्ट केरोसिन होगा तो हमें तो पेट्रोल के परसेंटेज से मतलब है राइट तो अब लोग ना देखो क्योंकि बहुत सिंपल वन स्टेप का क्वेश्चन है मतलब ये एक्स वाला जो एक्स वाला जो एक्स कंटेनर है यहां पे तो आप यहां पे क्या सोचोगे कि पहले ना यहाँ पे इसको परसेंटेज के टर्म्स में सोचो तो आप सोचोग पहले यहाँ पे वन लीटर पेट्रोल था तो ये ना आपका हंड्रेड पेट्रोल है इसमें आपने यहाँ पे क्या किया इसमें आपने 25.5 लीटर विद्रॉ कर लिया तो अब आप अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो 25.5 लीटर इज 15 परसेंट ऑफ 170 ठीक है व्हाट इज 15 परसेंट ईयर दैट इज इक्वल टू 85 ठीक है तो हम बोलेंगे यहाँ पे 85 पेट्रोल है इन दिस केस राइट ठीक है ना तो दिस इज फंडा तो बेसिकली कंटेनर एक्स में क्या हो गया एटी फाइव परसेंट इज पेट्रोल हो गया कैन यू ऑब्जर्व दिस कि 25.5 इज 15 परसेंट ऑफ 170 सेवेंटी आई थिंक यू कैन कैलकुलेट राइट है ना कि 170 का 10 परसेंट इज 17 एंड 5% परसेंट विल बी इक्वल टू एट का काम हो गया, ठीक है? है देखो container y में क्या ना? 40 केरोसिन ट्वाइस ओके और यहाँ पे 400 लीटर है तो देखो बेसिकली परसेंटेज में क्या हो रहा है ना तो आप यहां पे विड्रॉ क्या कर रहे हो guys? आप इन परसेंटेज 40 लीटर आउट ऑफ फोर हंड्रेड लीटर विद्रॉ कर रहे हो तो आप यहां पे वन बाई टेन विद्रॉ कर रहे हो तो वन बाई टेन मीन कितना टेन परसेंटेज होता है है ना तो बेसिकली आप यहां पे क्या विड्रॉ कर रहे हो तो आउट ऑफ फोर हंड्रेड लीटर हंड्रेड लीटर पेट्रोल है आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया 40 आउट ऑफ 400 हंड्रेड आपने टेन परसेंट विद्रॉ कर लिया तो अगर आपने पेट्रोल 10 परसेंट विद्रॉ कर लिया तो 90 परसेंट पेट्रोल बच जाएगा तो 90 परसेंट विल बी लेफ्ट तो बेसिकली अगर हम वन बाई टेन विड्रॉ कर रहे हैं तो वन बाई टेन Reduce का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है तो अगर वन बाई टेन आप रिड्यूस कर रहे हो इसका आप बोलोगे कि मल्टीप्लाइंगेड लीटर के लिए ठीक है? इतना पेट्रोल बचा। अब फिर से क्या हुआ अब ना इसमें हमने लीटर सोल्यूशन uh, को रिप्लेस कर दिया से, अब वापस से क्या है ना अब वापस से आपका सोल्यूशन क्या है फोर हंड्रेड लीटर का हो गया अब इसमें पेट्रोल तो आपका कितना है ओनली फोर हंड्रेड इंटू नाइन बाई टेन दैट इज इक्वल टू इसमें थ्री सिक्सटी लीटर पेट्रोल है और इसमें आप क्या है फोर्टी केरोसिन है बट हमें उससे मतलब नहीं है हमें बेसिकली क्या देखना है कि अगेन आप क्या विद्रॉ कर रहे हो अगेन आप इसमें से फोर्टी विद्रॉ कर रहे हो वट इज दैट 40 आउट ऑफ 400, हंड्रेड दैट इज अगेन आप 1 बाय टेन विद्रॉ कर रहे हो दैट मीन्स आप ना टेन परसेंट विदड्रॉ कर रहे हो तो अब देखो अब ना अंदर में पेट्रोल और केरोसिन का यहां पे क्या है मिक्सचर है राइट right, उसको सेपरेट तो कर नहीं सकते तो अगर हम टोटल क्वांटिटी का टेन परसेंट विड्रॉ करेंगे तो पेट्रोल भी टेन परसेंट निकलेगा और केरोसिन भी टेन परसेंट निकलेगा और हमें मतलब किससे है पेट्रोल से है तो क्योंकि रिप्लेसमेंट uh, किस लिक्विड का हो रहा है यहां पे कंटिन्यूसली पेट्रोल का हो रहा है राइट right? तो जितना भी पेट्रोल था उसका वन बाय फिर निकल जाएगा दैट इज टेन फिर निकल जाएगा कितना बचेगा नाउ नाइन बाई टेन विल बी लेफ्ट आउट अगर आप इसको सॉल्व करोगे देखोगे कितना आ रहा है आपका ये राइट इड आउट्रेड इंटू नाइन इंटू नाइन टू थ्री ट्वेंटी हो गया थ्री ट्वेंटी फोर अपॉन फोर हंड्रेड इंटू हंड्रेड ठीक है थ्री ट्वेंटी फोर फोर इज इक्वल टू एटी वन परसेंट तो बोलोगे यहाँ पे क्या है तुम्हारा सेकंड केस में ना 81% पेट्रोल आ गया इन सेकेंड केस वी हैव गॉट 81% पेट्रोल तो कंटेनर एक्स में जब ये ऑपरेशन किया था वन टाइम विथड्रॉ करने का तो वहां पे 85% पेट्रोल बचा था अब कंटेनर वाई में क्या हो गया आफ्टर डूइंग दिस टू टाइम दैट इज 40 आउट ऑफ 4 एंड ऑल केस तो अब आपका यहाँ पे 81% पेट्रोल बचा हुआ है ठीक है नाउ लुक एट कंटेनर जेड अब हम कंटेनर जेड देखते हैं यहां पे देखो वैपनिंग इन कंटेनर Z राइट right नाउ तो आप अगर यहाँ पे कंटेनर Z देखोगे तो कंटेनर Z में कितना तो विद्रॉ किया? किया, किया है ठीक है ध्यान है ना थ्राइस किया है ठीक है और देखते हैं तो वो लोग ना ठीक है अब लोग इनिशियली इनिशियली पेट्रोल कितना था टू फोर्टी फाइव लीटर था और ये कॉन्टिन्यूसली रिड्यूसिंग लिक्विड है ओके आप विड्रॉ कितना कर रहे हो आप यहां विड्रॉ कर रहे हो 35 लीटर आउट ऑफ 245 लीटर। दैट इज इक्वल टू परसेंटेज में आप 1 बाई सेवन विड्रॉ कर रहे हो अगर परसेंटेज में आप 1 बाई सेवन विद्रॉ कर रहे हो तो पेट्रोल कितना बच जाएगा पेट्रोल बच जाएगा इंटू सिक्स बाई सेवन है ना वन बाई सेवन अगर रिड्यूस कर दिया तो बचा कितना सिक्स बाय सेवन बचा अब इसी चीज को थ्राइस किया गया हमने तीन बार किया है तो हम ब्लाइंडली यहां पर इंटू सिक्स कर सकते हैं ज्यादा पंगा वी कैन डू दैट राइट क्यों इसलिए बिकॉज देखो होगा वही क्योंकि आपने क्या किया टू फोर्टी फाइव लीटर पेट्रोल में से आपने थर्टी फाइव लीटर विड्रॉ कर लिया क्या केरोसिन राइट मतलब सॉरी पेट्रोल ओके okay? और फिर हमने यहां पर क्या किया वापस से थर्टी फाइव लीटर केरोसिन एड कर दिया सो नाउ अगेन द मिक्सचर इज ऑफ टू फोर्टी फाइव लीटर तो पेट्रोल प्लस केरोसिन का मिक्सचर हो गया टू फोर्टी का अब सेकंड टाइम फिर कर अब आप पूरे मिक्सचर का वन बाई सेवन विद्रॉ कर रहे हो तो, तो पेट्रोल पे और केरोसिन तो, के तो इनसेपरेबल है तो वन बाई सेवन पेट्रोल निकला तो वन बाई सेवन केरोसिन भी निकलेगा हमें पेट्रोल से मतलब है तो वन बाई सेवन पेट्रोल निकल गया जितना भी पहले पेट्रोल था वन बाई सेवन विड्रॉ कितना बच गया सिक्स इज है? एंड अगेन दैट इज सेम डन लाइक थर्ड टाइम ऑल्सो ठीक है तो, देखो तो अब तुम्हारा पेट्रोल का तुम्हारा परसेंटेज कितना है, कैंसिल इट लाइक सेवन टाइम्स नो सो सेवन सेवन फोर्टी नाइन एंड फोर्टीजी फाइव ठीक है तो टू ये आपका यहां गया एंड नाउ सी हियर

टली कैलकुलेटेड राइट सेवन इंटू वन फिफ्टी इज टेन फिफ्टी एंड सेवन फोर या ट्वेंटी एट तो वन आपका वन फिफ्टी फोर सेवन या कितना हो गया टेन सेवेंटी एट हो गया थोड़ा सा ज्यादा वन सेवेंटी फोर से आई कैन टेक इट टू बी फिफ्टी फोर सेलेश माइंड में करना बहुत जरूरी है राइट right? अदरवाइज क्या होगा ना कि देखो कैलकुलेटर सिर्फ कैट में भी आता है एंड फॉर एवरी ट्रीविल कैलकुलेन यूट पुट कैलकुलेटर ठीक है माउस ले आना एरो ऑल दैट राइट उसके बाद तो फिर जैट में एनमैट में स्नैप में कहीं भी कैल्कुलेटर नहीं है राइट right? इसलिए ये कैलकुलेशन आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटली सो डू इट लाइक ट्राई टू डू इट योर सेल्फ हाँ जब भी आप करने

245 में 35 निकाल के 35 ऐड ही कर दिया है तो एट द एंड दी टोटल सॉल्यूशन इज स्टिल 245 लीटर उसमें पेट्रोल कितना है उसमें पेट्रोल है 154.3 एंड दिस इज इनटू 100 तो अब देखो ये तुम्हारा पेट्रोल का परसेंटेज कितना होगा अगेन यू शुड डू दिस स्टेप मेंटली यार तब बोलोगे ना 245 तुम्हारा यहां पे तो 245 का 10% कितना होता है इट्स 10% इज 24.5 आपको क्लोज टू पहुंचना है 154.3 के इसका सिक्स टाइम्स कर दीजिए तो so, 60 विल बी इक्वल इट बिकम्स 147 थोड़ा ज्यादा है इससे आई थिंक टू पॉइंट आपका थोड़ा और ना यहाँ 154.3 है तो बोलोगे ना कि ठीक है इट्स लाइक like तुम्हारा कितना आ जाएगा अब अब तुम्हारा टू का वन कितना होता है इट्स टू और आपका यहां पे 147 आ चुका है आपका 154.3 है, अराउंड सेवन बचा है दैट right? so so right? so right अब इसके बाद ये लोग क्या बोल रहे हैं ना तो वट डे सिंग आफ्टर दिस इज कि अब ना इन तीनों मिश्रो क्या किया गया ना आफ्टर ऑल दीज ऑपरेशन आफ्टर ऑल दीज ऑपरेशन ईयर ओके

पेट्रोल so, परसेंटेज अब जैसे हम यहां फॉर्मूला यहां पे यूज करते हैं अपना ओके लाइक पी इज इक्वल टू पी वन क्यू वन प्लस पी टू क्यू टू प्लस पी थ्री क्यू थ्री हाँ डिवाइडेड बाई क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री ठीक है ना अब देखो तुम्हारा तो यहां पे पी तुमको निकाल पी इज वॉट P इज दी ओवरऑल पेट्रोल परसेंटेज तो ओवरऑल तुमको निकालना है पेट्रोल का परसेंटेज राइट इज पी तो ये तुम्हारा P कितना हो जाएगा नाउ तुम्हारा कितना है? So, कितना है सो कंटेनर में पेट्रोल था यार परसेंटेज में तो आप लोगे सर कंटेनर ना पे 85 परसेंट पेट्रोल था आपने कंटेनर एक्स का कितना लिया है क्वांटिटी फाइव है और percent, 85 percent, कितना हो एटी फाइव इक्वल टू परसेंट इंटू फाइव दिस बिकम्स एटी फाइव परसेंट इंटू फाइव ठीक है प्लस पी टू इंटू क्यू टू पी टू इंटू क्यू टू क्या है इन क्यू टू जो आपका ये सेकेंड क्वांटिटी क्या है आपका यहां क्वांटिटी Uh, आपका पेट्रोल है एटी वन परसेंट और आपने इसका तीन पार्ट लिया जो आपका थर्ड कंटेनर है जेड उसमें पेट्रोल है सिक्सटी थ्री परसेंट दैट इज सिक्सटी थ्री परसेंट और हमने उसका कितना पार्ट लिया है उसका तो दो पार्ट लिया बिकॉज रेशियो वॉज रेशियो वॉज फाइव इंसू थ्री इंस टू टू देखो ना फाइव थ्री फाइव थ्री टू था रेशियो आपका ठीक है

तो so 126 परसेंट डिवाइड बाई टेन कितना हो गया आपका ये सो नाउ यू कैन सिंपली सॉल्व 425 ट्वेंटी हंड्रेड नाइनटी फोर है ना फोर ट्वेंटी फाइव प्लस 243 फोर्टी थ्री इज सिक्सटी प्लस वन ट्वेंटी 794 794 नाइनटी फोर बाई टेन दैट इज इक्वल टू 79.4 परसेंट

आईक्यू लेवल रेज होता है ऐसा क्वेश्चन करने से आप सोचते हो क्वेश्चंस के पीछे एंड देन इसके स्मॉल पार्ट जब आपको मिलेंगे डिफरेंट क्वेश्चन आप आराम से उसको अप्लाई कर पाओगे ठीक है सो विल कंटिन्यू विद सीरीज इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस ओके थैंक यू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो